you <laughs> वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब होपफुली सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से वेलकम बैक अगेन किचन विदर मान मोम अच्छा मेरी आवाज़ पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन मैंने वीडियो जो है इन श्ला कोशिश की है कि रेगुलर अपलोड करनी ही करनी है पिछले दिनों में ना बहुत ज़्यादा मैं ग़ैर हाजिर रही यूट्यूब से और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मैं मुझे अच्छा ही नहीं लगा कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और फिर शेयर करती जाऊँ तो बस ये कि फ़ोकस उनकी तरफ़ रहा कि सबसे पहले हमारे मेहमान होते हैं उसके बाद कोई और काम होता है तो काफ़ी ज़्यादा मैं जो है ना ग़ैर हाजिर रही तो अब कोशिश करूँगी इन शाला रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती ही चली जाऊँ और जो मेरा लॉस है उसको मैंने पूरा करना ही करना है मेरा टाइम वर्क जो है उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी वो कम्प्लीट हो जाए अच्छा जब आप यूट्यूब पर काम कर रहे होते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो आप रेगुलर वीडियोज़ अपलोड ना करो या अपना काम अच्छे से ना करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं तो आप जो आपको व्यूज़ रेगुलर देख रहे हैं ना उनके लिए आप वीडियोस बनाओ एटलीस्ट वो तो आपकी वीडियो देख रहे हैं ना आपको पसंद कर रहे हैं तो इन ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह चैनल होता है जैसे जैसे आप इस पर टाइम देते हो तो ये भी ग्रो करता है चला जाता है और ये जो यूट्यूब का क्राइटेरिया हमने पूरा करना होता है ना इसमें जो टाइम होता है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो ये कि इसमें बड़ा सब्र वाला बंदा ही काम कर सकता है बहुत देर लग जाती है इसीलिए तो यूट्यूब ने एक साल का इस पर टाइम रखा है कि ये कोई आसान काम नहीं है इसको लेके चलना तो बड़ा सब्र और तहमल रखना पड़ता है तो इंशाल्लाह मेहनत करते रहते हैं तो अल्लाह ताला फल भी एक दिन इंसान को जरूर देता है मेहनत जो है वो रंग लाती है तो ये जो चैनल हम छोटे ले के चल रहे होते हैं उसको चलाते हैं तो एक ना एक दिन फिर उनका जो बड़े चैनल्स में नाम आना शुरू हो जाता है तो मेहनत पर सारा कुछ डिपेंड करता है आप मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ मिलेगी तो मेरी भी यही कोशिश है कि अच्छे से अपने चैनल को लेके चलूं अच्छे से इस पर काम करूं मज़ीद जो कमी है उसको भी साथ साथ में कोशिश करती रहती हूं कि ख़त्म करती जाऊं और बड़े यूट्यूबर्स को भी फ़ॉलो करती रहती हूं उनको देखती हूं कैसे वो काम करते हैं कैसे उनका बात करने का अंदाज़ है सब कुछ ये फॉलो हर मुझे लगता है कि बंदा करता ही होगा अच्छा जी यहाँ पर अभी नाश्ते का टाइम हो चुका था और आ... नाश्ते में आज मैं बना रही थी अंडा पराठा मुझे कल भी लाइबा कह रही थी कि मामा जी आप हमें अंडा पराठा बना के दे लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को कल बना के दे दूंगी तो मैंने दो पराठे जो बनाए थे हाफ हाफ़ इन्होंने ले लिया था अपने लिए मैंने दो अंडे जो है वो स्टीम कर लिए थे और साथ में मैंने ब्रेड स्लाइस जो वो गर्म कर लिए थे अच्छा इस अंडे पराठा की रेसिपी ना मैंने आपके साथ पहले भी डिटेल में काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं ना तो उनके लिए फिर होता है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रूर बता देती हूँ कि जैसे हम ऑमलेट बनाते ना उसी तरह हमने तीन अंडे आ, जो है एक बॉल में डाल दिए साथ में मैंने प्याज और टमाटर सब्ज़ धनिया और सब्ब मिर्चें भरी काट के वो इसके अंदर शामिल कर दी नमक कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर इसके अंदर डाल के बस मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था मैदा जैसे हम रोटी के लिए गूँधते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा नमक डाल के नॉर्मल आटे की तरह हमने गूँध लेना उसकी रोटी बना लेनी तरीका तो आपने स्टार्ट में देख लिया मैंने किस तरह पेड़ा बनाया था तो एक तरफ से थोड़ा सा पकता है दूसरी तरफ टर्न करना है उसके ऊपर हमने जो अभी ऑमलेट वाला बनाया था मेज़ा अंडे का वो वो इसके ऊपर डाल देना एक अंडे जितना तो बस उसको फ्लिप करेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे और हमारा अंडा पराठा अच्छा इसके अंदर कलौंजी भी जाती है आ, मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कलौंजी वाला पराठा जो है ना बहुत मज़ेदार होता है और बहुत हमारी हेल्थ के लिए कलौंजी जो है हर बीमारी की शिफा इसमें रखी गई है स्वाए मौत के हर चीज़ का इलाज कुलंजी में पाया जाता है लेकिन मेरे बच्चे नहीं खा रहे थे इसलिए मैंने इसमें आज नहीं डाली लेकिन मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी आपने कुलंजी वाला पराठा ना ज़रूर ट्राई करना एक दफ़ा तो बस जी नाश्ता हमारा बन गया था और गरम गरम चाय का मग हमने साथ में रेडी कर लिया था बाहर स्मोक इतनी ज़्यादा है कि पूछे मत मौसम भी बहुत अच्छा ठंडा सा भी होने लग गया और बस उसके बाद मैं साग ले लिया था उसको बनाया उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में और फिर अच्छे से इसको वॉश करना होता है और बड़ा लम्बा ये काम हो जाता है तो इनशा आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ इसकी भी डिटेल रेसिपी जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी फिर आप इसको बनाइएगा फिर मेरे अपना फीडबैक दीजिएगा कि कितना अच्छा ये साग

तो so, क्या आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़